हेलो दोस्तों, मैं हूं लोकेश पैकरा और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लोकेश पैकरा ऑफिशियल। दोस्तों, हम लोग आज जाने वाले हैं एक रूटीन के ऐसी 5-6 जगह जो हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस है। दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ इस जगह में जाकर यहाँ का नज़ारा का लुत्फ ले सकते हैं। दोस्तों, वो जगह है कोरबा जिला के सतरेंगा जल विहार और बांगो डैम चैतूरगढ़। दोस्तों, उसके बाद बिलासपुर जिला के खुटा घाट डैम, रतनपुर और कानन पिंडारी जू। तो दोस्तों, ये सब एक ही रूटीन में है दोस्तों, तो आप इस जगह जाकर काफ़ी लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस जगह के लिए हमने एक ब्लॉग तैयार किया है, तो ये सब चीज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से अंतिम तक। लेट्स गो। सुबह के 7 बज रहे थे, ठंड तो बहुत थी, फिर भी हम निकल चुके थे अपनी मंजिल की ओर। सभी लोग बहुत उत्साहित लग रहे थे, क्योंकि नए जगह को देखने के लिए सबके मन में एक अलग ही उत्साह होता है। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जाने वाले थे कोरबा शहर के सतरेंगा जल विहार, जो गूगल मैप के अनुसार हमारे गांव से लगभग 163 किलोमीटर की दूरी पर था। सतरेंगा लगभग 4-5 घंटे का सफर था। वैसे दोस्तों, हमारा गांव ग्राम कानाकोट ब्लॉक प्लारी जिला बलौदा बाजार है। तो दोस्तों, हमें कोरबा जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता चाहिए था, तो हम लोग अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर लवन मार्ग से होते हुए जोंधरा के लिए रवाना हुए। जोंधरा से दोस्तों पामगढ़ गए, पामगढ़ से फिर जांजगीर, जांजगीर से चांपा, फिर दोस्तों कोरबा शहर पहुँचे। कोरबा शहर से कुछ किलोमीटर दूर में सतरेंगा झील था, तो हम लोगों ने कोरबा में कुछ खाने पीने का सामान लिया। वैसे तो सतरेंगा में मिलता है, लेकिन हमने यहीं से लेकर ले जाने की सोची। दोस्तों, हम लोग आज आए हैं कोरबा शहर। तो कोरबा शहर में हम लोग आज जाने वाले हैं सतरेंगा झील, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, देखते हैं कि इस सतरेंगा झील में हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है, तो बनिए रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो देखते हैं आगे। कोरबा शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर सतरेंगा जल विहार पहुँचने ही वाले थे। रोड के किनारे किनारे पूरा पहाड़ी ही पहाड़ी नजर आते, जो यहाँ के रास्ते को और खूबसूरत बनाते जा रहा था। हम लोग बस सतरेंगा जल स्पॉट पहुँच ही चुके थे। पहुँचते ही हमें सतरेंगा का पार्किंग टिकट काउंटर मिला, जहाँ पे 4 व्हीलर का 50 रुपये शुल्क था। शुल्क पटाने के बाद जैसे ही हम अंदर गए, अंदर काफ़ी भीड़ नजर आ रहा था, क्योंकि इस दिन संडे था और शीतकालीन का सत्र चल रहा था। शीतकालीन छुट्टी सब मनाने के लिए यहाँ पहुँचे थे। सभी लोग अपना अपना सामान गाड़ी से निकाले, क्योंकि हमें सुबह से निकले थे, तो हमें यहीं नहाना था। यहाँ हम लोग नहाए, नहाने के बाद हम लोग खाना वाना पकड़ के आए थे, जिसको हम लोग यहाँ खाए। खाना खाने के बाद यहाँ गार्डन के लिए टिकट बुक किए, यहाँ से अंदर जाने का 20 रुपये शुल्क। उसके बाद हमने नाव चढ़े, नाव के लिए यहाँ पे पर व्यक्ति 50 रुपये शुल्क था। यहाँ मोटर बोट, घुड़सवारी और लकड़ी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ जाने पर आपको दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है, यकीनन आपको गोवा जैसा अनुभव महसूस होगा। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और विशाल पहाड़ इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। धन्यवाद।
हम लोग सुबह सुबह चैतुरगढ़ पहुंच चुके हैं। सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। काश तू मेरे हक में होता, बन के हकीक में होता। Just stay.